अशोक गहलोत के महिलाओं के घूंघट प्रथा को लेकर दिए गए बयान का असर अब दूर तक नजर आने लगा है। राजस्थान में इस प्रथा के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान की परंपराओं में से एक परंपरा घूंघट की है। राजस्थान में घूंघट मतलब बुजुर्गों की शान, खानदान की आन है। लेकिन घूंघट ने महिलाओं को कैद करके रख दिया है। बदलते दौर में महिलाओं के चेहरों पर घूंघट की बेड़ियां पड़ी हैं, जिन्हें तोड़कर महिलाएं वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घूंघट प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अशोक गहलोत का कहना है कि अब घूंघट का जमाना चला गया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि गांव में आज भी घूंघट है। एक महिला को घूंघट में कैद करने का एक समाज को क्या अधिकार है? जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। दरअसल सीएम ने जयपुर में महिला अधिकारों के लिए काम कर रहे एक संगठन के कार्यक्रम में शिरकत की थी। वहां उन्होंने बिना घूंघट की महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को अब भी घूंघट में रहना पड़ता है। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर कहा कि किस्मत और हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्त बदल चुका है, महिलाएं पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। महिला का घूंघट में तो बांध दिया, बंद कर दिया, तो जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिला कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जमाना गया घूंघट का, जमाना गया। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में सीएम के इस जन अभियान के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। हनुमानगढ़ के साहित्यकार और शिक्षक भरत ओला ने इसे जहां प्रगतिशील मुख्यमंत्री का दूरदर्शी कदम बताया है, वहीं दूर दराज के गांव में महिलाओं का भी कहना है कि अब समय आ गया है जब बेड़ियों को तोड़कर महिलाओं को आज के दौर से कदम ताल करनी होगी। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की महिलाएं घूंघट मुक्त होंगी और सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस बयान का स्वागत करना चाहिए और मुख्यमंत्री की इस मुहिम से हम प्रत्येक राजस्थान के वासी को जुड़ना चाहिए। घूंघट में रह के इज्जत होती है, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, घूंघट में इज्जत नहीं होती है। पुरुष प्रधान देश है जिसमें महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे जरूरी है कि सबसे पहले उनको थोड़ी सी आजादी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के घूंघट पे आए बयान पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि घूंघट बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देने का एक तरीका था। वक्त के साथ तरीके बदलते हैं, मान सम्मान देने के भी तरीके बदले हैं, तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ और जो भी परिस्थिति हो मान सम्मान देने के तरीके जो आज के तरीके हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। और हमारा समाज कोई रूढ़िवादी समाज नहीं है, बहुत प्रोग्रेसिव समाज है। हमारे समाज की पूर्व राष्ट्रपति इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, प्रतिभा पाटिल जी, जो कि भारत की राष्ट्रपति भी रही और बिना घूंघट पूरे मान सम्मान से उन्होंने अपना कार्यकाल किया। ऐसी हजारों हजारों महिलाएं हमारे समाज में हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज के आधुनिक दौर में राजस्थान ही नहीं देश भर की महिलाओं को कई कुरूतियों ने जकड़ रखा है। घूंघट प्रथा भी उन्हीं में से एक है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुहिम निश्चित तौर पर उन सभी महिलाओं के लिए एक सशक्त आवाज है जो घूंघट छोड़कर समाज की मुख्यधारा में कदम ताल करना चाहती है। ऐसे में अब राजस्थान भी घूंघट प्रथा से मुक्त होगा। अरुण हर्ष के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।